अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं खुश हैं और खैरियत से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम, 6 बज रहे हैं अभी। तो मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैं यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक ये सब पील करके रख रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी मटन पुलाव। तो वो रेसिपी भी मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं मटन पुलाव बनाती हूँ। तो बस ये मैंने प्याज काट ली है, लहसुन अदरक भी मैं छील लूँगी। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। इसके साथ में मैंने 1 चम्मच धनिया, सूखा धनिया, और 1 चम्मच सौंफ ये भी साथ में पीस लिया है। तो बस वही मेरा, मैंने गैस पर रख दिया था कुकर। कुकर में मैंने 2 चम्मच डाल लिया है ऑयल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, और बस मेरा ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद में मैं ऐड कर दूँगी ये प्याज। तो जो मैंने प्याज काट के लिए थे, बस ये फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बस मैं जैसे नॉर्मल जब पुलाव बनाती हूँ या बिरयानी बनाती हूँ, तो प्याज अच्छी तरह से फ्राई कर कर निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर बाद में फ्राई कर कर प्याज डालो ऊपर से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो बस इसको ऐसे ही इसके साथ में ही सब मसाले डालकर आप बना सकते हैं। आप चाहें तो ना निकालें प्याज फ्राई की हुई, आप ऐसे भी बना लें। लेकिन अगर फ्राई की हुई प्याज आप थोड़ी सी निकाल कर बाद में ऊपर से डाल देते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया जायका आता है उसका। तो बस मैं यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, जैसे बिल्कुल कलर चेंज हो जाए। मैं बताती हूँ आपको हर वीडियो में, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पर बिरयानी की और पुलाव की भी, तो आप जाकर वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मटन पुलाव की, बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत कोई बिना झंझट के बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो बस आप देख सकते हैं मेरी प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। वहीं जो सेम तेल है, बस उसी में मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले लिए हैं, जैसे कि 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, और काली मिर्च, लौंग, 2-3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, जावित्री, सिनेमन स्टिक, बस ये जो खड़े गर्म मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिया, और 2-3 तेज़पत्ता भी मैं इसी के साथ में डाल दूँगी। और 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको तेल के साथ में होने देंगे मसालों को। तो बस इसके बाद में मैंने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था अदरक लहसुन और सौंफ और सूखा धनिया का, वो अब इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा जायका आता है सौंफ और सूखे धनिए का पुलाव के अंदर। आप भी ज़रूर डालें सौंफ को पीसकर और धनिया को पीसकर, बहुत ही बढ़िया आपको टेस्ट आएगा उसका, अलग एक टेस्ट लगेगा। तो बस इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये तेल अलग ना दिखाई देने लगे मसाले से। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये, और जो भी मैं बिरयानी की रेसिपी बनाती हूँ, बहुत ही इजी बिरयानी रेसिपी, मैं जो भी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और झटपट वाली रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आपसे, कि जो बिगनर्स हैं जिन्हें कुकिंग नहीं आती है वो भी ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो बस मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटन के पीसेस, और इसे हम मसालों के साथ में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 kg मटन लिया है, और मैं बस अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 3 से 4 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैं कट करके यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसी खड़ी डाल दी है तोड़ के अपने हाथों से। और साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 कटोरी मैंने ऐड कर दिया है दही, और दही से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो दही मैं पुलाव में ज़रूर ऐड करती हूँ। पुलाव और बिरयानी में तो दही हम ऐड करते ही हैं, साथ ही मैं यहाँ पर पुलाव में भी ऐड कर देती हूँ दही को। तो बस मैंने 1 कटोरी दही ऐड कर दिया है, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी प्याज, मैंने फ्राई की है तो बस थोड़ी सी डालूँगी, और इसमें विसल लगा देंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक, तो मैं 2 चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया है, और विसल लगा देंगे जब तक हमारा मटन टेंडर नहीं हो जाता तब तक। तो जी, जब तक हमारा मटन टेंडर होता है, क्योंकि मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है उसको होने के लिए, उसमें 3 से 4 विसल लाएंगी और टाइम लगेगा उसमें काफ़ी। और अभी 7:30 का वक्त हो रहा है, और बच्चों को भी भूख लगने लगी है, टाइम हो गया है बच्चों का खाने का।
तो बस मैं उनके लिए, अलिश्का और अबान के लिए, दोनों के लिए बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि अभी अलिश्का की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको ऑयली खाना अवॉइड कर रही हूँ देना, और उसका दिल भी नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो बच्चों का भी दिल नहीं होता है और बड़ों का भी दिल नहीं होता है खाना खाने का, तो पता नहीं ऐसा कब तक चलने वाला है, कब तक उनका खाना खाने का दिल नहीं करता है। तो बस मैं यहाँ पर उसके लिए रोटियाँ बना रही हूँ। और सब्ज़ी में मैंने बनाया था लौकी की सब्ज़ी, बहुत ही कम ऑयल में एक हरी मिर्च डालकर बस थोड़ा सा फ्राई करके बना दी है, क्योंकि अभी अवॉइड कर रहे हैं उसको ऑयली खाना इस वजह से। तो बस मैं अलिश्का और आवान के लिए यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर उन लोगों को खिलाऊंगी, क्योंकि फिर अलिश्का का दवाई भी देना है, उनको मेडिसिन भी देनी है, और फिर उसके बाद में मुझे अलिश्का का होमवर्क भी कराना है, और फिर उनको सुलाना भी रहता है टाइम से, क्योंकि फिर उनको स्कूल भी भेजना है सुबह, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम के शुरू हुए नहीं है, पता नहीं कब इनकी एग्ज़ाम डेट आएगी। तो बस मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ और फिर इन लोगों को खिला दूँगी खाना, और फिर उसके बाद इन लोग को सुलाऊँगी। तो ये खाना मैं ले जा रही हूँ अलिश्का अबान को खिलाने के लिए, ये बनाया था मैंने आज लौकी की सब्ज़ी, तो ये बस बहुत ही कम ऑयल में मैंने बनाई है, और बस ऊपर से इसमें धनिया, हरा धनिया गार्निश कर दिया है। तो बस ये आज का इनका डिनर हो जाएगा, और जब इन्हें भूख लगेगी तब देखेंगे तब क्या खाते हैं ये लोग। तो बस मैं इन लोगों को खाना खिला देती हूँ। और वहीं यहाँ पर गैस मैंने बंद कर दी थी, और मटन भी हमारा टेंडर हो गया था अच्छी तरह से, तो बस मैंने उसके बाद में इसमें चावल डाल दिए हैं, और बस पानी डाल लिया उसमें मैं, तो मैं यहाँ पर 4 गिलास पानी डाल दी, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, तो मैं यहाँ पर 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो चावल की आपको डबल क्वान्टिटी से पानी ऐड करना है। तो बस ये पानी इसका जब तक अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है, जब तक इसका पानी बिल्कुल पूरी तरह से सूख नहीं जाएगा, तब तक हम इसको खुला ही पकाएंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी नींबू, तो मैं यहाँ पर 1 नींबू का रस ऐड कर दूंगी, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। तो बस मैं नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है, और इसके बाद में मैं नमक भी टेस्ट कर लिया था कि नमक ठीक है या नहीं, तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था नमक, तो मैंने थोड़ा सा और नमक इसमें ऐड कर दिया था। तो बस इसे अब हम खुला ही पकने देंगे। और अब मैं यहाँ पर काट रही हूँ धनिया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास में पुदीना है तो आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हरा धनिया और पुदीने से बहुत ही अच्छी महक आती है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो बस इसको हमें खुला ही पकाना है, जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, फिर बस इसमें विसल लगा दी, मतलब दम पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, तो बस मैंने इसको इसके ऊपर प्याज डाल दिए थे और थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डाल दिया था। तो बस ये मेरा तैयार हो गया है मटन पुलाव, बहुत ही बढ़िया। तो बस मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही ईजी रेसिपी, बहुत ही झटपट रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे। तो जी हम लोगों का तो डिनर हो गया, और बहुत ही बढ़िया जायकेदार बना था पुलाव। आप चाहें तो आप भी मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं अपने बेडरूम में, और अलिश्का यहाँ पर आपको होमवर्क करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो मैंने घर में देती हूँ वो तो इन्होंने दिन में कर लिया था, इनका स्कूल का होमवर्क रह गया था, तो बस ये रात में फिनिश कर रही हैं, और फिर बस होमवर्क करेंगी, उसके बाद में थोड़ा सा खेलेंगी, उसके बाद में सो जाएंगी, यही इनका काम रहता है। इन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए ही है अलिश्का को करने के लिए, कभी फ्री नहीं बैठे जा सकता इनसे। अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस इस वजह से इनका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। और बच्चों से तो हमें सीखना चाहिए कि बच्चे कभी भी परेशानी में भी मुस्कुराते रहते हैं, खेलते रहते हैं माशाल्लाह।
और यहाँ पर अवान भी आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। इनको नाइट ड्रेस तुमने पहना दी है, इनका पजामा वगैरह पहना दिया है और बस सोने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा फैमिली ब्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं कमेंट्स में। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़। तो मुझे याद रखिएगा।